सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ अबित होए से जन जिनी हर ते आया हर ते आया पवित होए गुरमुख जिनी ते आया पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों अवित संगत सबाइया कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर एक चीज का कोई ना कोई अपना असर है, उदा कोई पिछोकड़ है। जदों वो चीज अपने असले तो विछड़ जाए उदे गुण गल जाते ने ते औकण पैदा हो जाते ने। औकण रत्ती कोई भी चीज होवे वो मैली हो जाती है, उदी पवित्रता गवाच जाती है। गुरबाणी विच एक दृष्टांत है, एक छोटा जिहा सरोवर है, वगदे पानी नाल सांझ पाई हुई है। लोग उस सरोवर के किनारे दूरों पारों आके बैठते हैं, कोई खाना लेके आता है, कोई बच्चों लेके आता है, कोई सज्जना मित्रां नाल आता है, कोई उदास होया अपना मन खुश करने वास्ते आता है। सरोवर की झोली विच इतनी खुशियां ने, हर एक नूं खुशियां दे के तोड़दा है। सबब बनिया कुछ समय बाद उस सरोवर के जितने भी गुण सन सारे गल गए। जेड़े उदे नेड़े बैठते सन हुण दूर पार होके लंघदे ने, जेड़े उदे कोल बैठ के कुछ खांदे सन वो कहंदे ने सरोवर लंघ जाए फिर अगे जाके खावांगे, इत्थों दुर्गंधी आउंदी है। गुरु नानक साहिब जी इस दुखड़े नूं महसूस करदे आ, मनुख नूं समझाउण वास्ते उस सरोवर नाल दो गल्लां करदे ने। कहिंदे भलिया मैं तेरी सुहप्पण भी देखी है पर मैं तेरी कुरूपता भी देखी है। मैं हैरान है इतनी सुहप्पण दा मालिक कुरूपता दे विच किवें बदल गया। सरोवर जवाब देंदा है सानूं समझाउण वास्ते, उन्हें आख्या मेरे को हंकार हो गया। मैं सोचा तू नाल दी वगदा दरिया वगदा पानी तेनू कोई नहीं पुछदा, लोग तो मेरे किनारे आके बैठते ने ना। कुदरती पाणा वरत्या मेरा उहदे नालों वगदे पानी नालों संबंध टुट गया। मैनू नहीं सी पता मेरी खूबसूरती उहदे कारण है, होया कि हुण उह टुट जाण दे कारण मेरे कोलों वो जिहड़े औगण ने वह पैदा हो गए, उहदे विच किरम पैदा हो गए, फुल मुरझा गए, वो जिहड़े कलोलां करदे भौड़े सन वह चले गए। गुरबाणी का बचन है, पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन कह दुखड़े सड़े होए काली होई आ देहुरी नानक मन तन भंग जाना पानी ना लहां
जय सीती मेरा संग जित डिठे तन पर फुड़े चढ़े चबकन पर। मनुख की आही कहानी है। दुनिया में आके अपने असले तो विछड़ जाता है, असले तो विछड़ के फिर मुड़ के मेला हो जाता है। इतना औकड़ा का भर जाता है, इतना औकड़ा का भर जाता है, फिर वो निरंकार के दर तक एक पासे संसार विच भी प्रवान नहीं होता। पर मेरे मालिक का नाम है जेड़ा, उहदे च बड़ी वड्डी ताकत है, उहदे च बड़ी वड्डी ताकत है। वो अजिहे मलीन होए लोगों नूं भी मुड़ पवित्र कर दिंदा है। पिछले जेड़ा बंद सी उहदे च आपां विचार चुके हुए हैं। ये सुहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सुहेला, सतगुरु सुनाया। ये इनके मन वसिया, जिन्हां दे मन विच वस गया वह पवित्र हो गए। पवित्रता मनुख नूं पता नहीं। गुरबाणी विच बड़ा प्यारा वचन है, कहिंदे अंतर मन लगी नहीं जाने बाहरों मन वरतो वै। मैलते दे अंदर लगी हुई समझते ही नहीं भी मैल लगी हुई किथे है, ते बाहरों शरीर धोई जांदा, ते बाहरला शरीर धोता हुआ प्रमाण नहीं हुंदा। सतगुरु दी बाणी दा निर्मल बचन पढ़ते हो, नहावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक भौ लथी नातियां बोध दो भौ चढ़िया सोहोर, बाहर धोती दो मड़ी अंदर विसन कोर, साध भले अन नातियां चोर से चोरा चोर, लौकी अड़सठ तीर्थ नहाई कौड़ापन तहु ना जाई। उहदे अंदरला कौड़ापन ते खत्म नहीं हुंदा, उहदे अंदरली मलीनता खत्म नहीं हुंदी। हजूर कृपा करदे ने कहण लगे, जिन्हां रब दे नाम दा सहारा लिया उहनां दे कौन को कलंक रहो, राम नाम लेट ही पतत पवित पए राम कहत ही। कहिंदे कहड़ा दुनिया दा कलंक है जिहड़ा उस मनुख दे नां ते याद कीता जावे जिन्हें रब्बी नाम दा सहारा ले लिया। अमृत बाणी दा वचन है, मेरी जात कुट बंड ला ढोर टवंता नितै बनारसी आस पासा, अब विपर प्रदान ते करे डंडौत तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। कहिंदे मेरी तां जात सी चमड़े दा कम करना, मेरा कारोबार सी, लोक बड़ी नफरत करदे सन मेरे तों, पर मालिक ने कृपा कर दित्ती, उहदे नाम दा सहारा लै लिया। अज जिहड़े विपर प्रधान ने, मुखिए विपर ने, वह भी आके मैनू नमस्कार करते ने। क्यों? क्योंकि तेरे नाम विच एडी वड्डी ताकत है। पतत पवित लिए कर अपने सगल करत नमस्कारो, वर्ण जात को पूछे नाहीं बंछे चरण रवारो। जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत ओ चौकुंट माने, तेरे नाम विच एडी वड्डी ताकत है सईआं, वो पवित्र हो जांदे ने। संसार उन्हां नूं पवित्र कहिंदा है। भाई गुरदास जी ने एक बड़ा प्यारा बोल बख्शिश कीता है। उन्हें एक उस वेले जे जमाने विच चली हुई कहानी का सहारा लेके साडे दिलां दे बूहे नूं खड़का के प्रेरणा कीती, ओ मन तू भी रब दे नाम का सहारा ले लै, रब दे नाम का सहारा ले लै। बड़े प्यारे बोल ने, मैं चंद बोल ही कहने चाहुंदा। गन का पापन होए कै पापा का गढ़हार परोता, एक बुरे कर्म करन वाली सवेर तो शाम तक पता नहीं किन्ने लोगों के घर उजाड़ती है। गन का पापन होए कै पापा का गढ़हार परोता, महापुरख अचान चक गन का वाड़े जाए खड़ोता, दुरमत देख दयाल होए हथों उसनू दितों तोता। गनका ने वेख्या मेरे द्वारे ते बुरे कर्म करन वाली जे द्वारे ते कोई फकीर आया, शायद फकीरी दा लिबास होवे फकीर ना होवे, आप आ गई मेरे घर तुसी आए हो कोई सेवा दसो। फकीर ने भी देखिया मैं गलत थां ते रुक गया,
उन्हें उस वेले एक तोता सी उहदे कोल दुरमत देख दयाल होए हथों उसनू जितोन तोता राम नाम उपदेश कर खेल गए ते वंश सोता लिव लाकी तिस तोत्यों नित पढ़ाए करे असोता। उन्हें एक तोता दे दिता महापुरख ने कहन लगे इस तोते नू रोज राम नाम पढ़ाया कर ये बोलना सीख जाएगा। एक जुगती सी और रोज राम नाम पढ़ाउन लग पई भी फकीर दा काम है मैं कर दिया और शायद मेरा भी कोई पार उतारा हो जाए। वो हुण जदों मंद करमां दा समां सी जिहड़ा वो इधरले पासे लौण लग पई होया कि कहिंदे एक वक्त ऐसा आया मालक दी रहमत होई उस दे जीवन विच बड़ा वड्डा पलटा आ गया। कहिंदे राम नाम उपदेश दे खेल गए दे वंश सोता लिव लागी तिस तोत्यों नित पढ़ाए करे असोता। हर रोज जागदी है ते उहदे तों लिव लागी। एक वक्त ऐसा आया अंत काल जम जाल तोड़ नरकां विच ना खतो सकोता गई वैकुंठ बेबान चढ़ नौ नारायण अशोत अशोता शोत अशोता। कहन लगे मालक दे घर कबूल हो गई उहदे जीवन विचों पतित उदाहरण रावण दा नाम लेंदे आ जीवन विचों पाप खत्म हो गए। एक वक्त ऐसा आया नौ नथावें मान मनुता कहिंदे मालक दे घर मुखुजला लेके चले गई प्रवान हो गई। जे इतने वड्डे पाप करन वाले लोग भी पवित्र हो सकदे ने मना तेनू क्यों नहीं यकीन आता। हर को नाम सदा सुखदाई जा को सिमर अजा मन उधरियो गणका हुंगत पाई पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई ताको दुख हरियो करना में अपनी पैज बढ़ाई जे नार जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई कहो नानक में यही भरोसा गही आन शरनाई। इस भरोसे ते भई तू पतता नूं भी पवित्र कर देना है उन्हां नूं भी पवित्र कर देना है। भाई वीर सिंह दा एक बचन बड़ा प्यारा है कहिंदे सज्जणा मैं तैनूं दो गल्लां समझाउणियां चाहुंदा। पहली यह समझाउणी चाहुंदा है मैं लगदी किवें है मैं लगदी किवें है। दूजी तैनूं यह दसना चाहुंदा मैल हटदी किवें है मुड़ अपने असले दा रूप किवें बणीदा है। भाई वीर सिंह दी इक कविता दे बोल ने कहिंदे मैं एक बारी एक भट्ठी दे कोल लंघदियां वेख्या एक कोयला तिड़क के बाहर लिपया वेखदियां सार ही वो काला हो गया। कहिंदे वह काला होया ते सबब बणिया मैं उन्हों घर चुक लिया भी तेरा पहला सूहा गूढ़ा रंग लाल मैं वेख्या ते तेरा काला रंग होया कारण की बनिया। कहिंदे मैं उन्हों धोता धोता भी साबण ला ला के फिर मैं उन्हों दुध विच पाया किसी आख्या दुध पतला होंदा है फिर मैं दही विच पाया संघना होंदा है वह दही विच पाया दुध उस पा आनी मन धोता वार वार। कहिंदे सच करके जाणियो ज्यों उन्हों मैं रखता सी वह फिर दुबारे सुख के काला हो जाता सी मेरे चढ़ाए रंगां दा कोई असर ना होया रंग भी करके वेख लिया। किसी स्याणे बंदे ने आख्या की करना है कहन लगे मैं दे दो रंग वेखे ने पहला रंग वेखिया अकरूपता वाला रंग भी वेखिया। कहिंदे तैनू रंग करन दी लोड़ नहीं दुध विच पाउण दी लोड़ नहीं दही विच पाउण दी लोड़ नहीं। कहिंदे की करा कहिंदे जिथे विछड़ के आए नूं उत्थे भेज दे ते वेखी वह कोले नूं चुकिया जे जिथे भट्ठी मघी होई सी उहदे विच फिर सुट दित्ता वेखदिया ही वेखदिया कोला जिहड़ा वह फिर दुबारे लाल हो गया। भाई वीर सिंह दी कविता दे बोल ने साबण लाला धोता कोयला दुध दही विच पाया खुंभ चार रंगण भी धरिया पर रंग न उस बटाया बिछड़ के कालक सी आई
ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅੰਗ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਕੇ ਵੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੂਪ ਸਵਾਇਆ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲਾਗੈ ਸੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਈਏ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰ ਸਖੇ ਮੂਠ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਜੇ ਸਾਬੁਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੈ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਹੋਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਦਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਕਲਾਵਾ ਗਿਆ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਰੇ ਚੌ ਲੈ ਕੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਗਈ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕੁਆਰੇ ਚੌ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਕੇ ਸੀ ਆਦਿ ਵਿਧਵਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਬੂ ਮੱਲ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਸੇਠ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਹੁੰਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਸ਼ਿਬੂ ਮੱਲ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਅਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਈ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਮਨਾ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕੇਗੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਬੂ ਮੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੱਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉੱਜੜ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਬੂ ਮੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਪੈਰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਸ਼ਿਬੂ ਮੱਲ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਆਂਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਵਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਕਹਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਸ਼ਿਬੂ ਮੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਪੈ ਗਏ ਪਲੇਗ ਪੈ ਗਈ ਘਾਟੇ ਪੈ ਗਏ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਖੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
मां लोकां दे घर काम करन जांदी, खंघ उठती है, साह चढ़ जांदा है, कई बारी इतनी मजबूर हो जाती है, साह लेना औखा हो जाता है, पर कोई दो घुट्टा पानी दिया भी नहीं देता, गाला कढ़दा है, बुरे बचन बोलता है। उन्हें अपनी मां नाल जाके वेखिया, शाम नूं प्रशादा बनाया, मां ने थाली च पा के अगे रखिया, कहिंदा मां प्रशादा नहीं छकूंगा। पुत क्यों? मैं तो सोचता सी मां तू अपनी कमाई का प्रशादा देनी है, मैनू अज पता लग्या तू अपने खून का प्रशादा देनी है। मां दे खून का प्रशादा नहीं मेरे को खाया जाना, छड़ कम नूं मैं तेरा इलाज करवाउणा है। इलाज करवाउण लेके आए, पता लग्या टीवी का रोग है कि आखिरी स्टेज पे है। लेके चले गए सहुरे घर, गए उन्होंने ठोकरा मार दित्तियां, पेके घर गए उन्होंने ठोकरा मार दित्तियां। कहन लगी पुत हुण किथे जावांगे? कहंदे मां एक थां है जिथे ठोकरा नहीं बजदियां, जे तू कमे उत्थे लै चलां। कहन लगी लै चल। कहन लगी ओह केड़ी थां है? कहंदे धन गुरु रामदास दा घर अमृतसर। आ गए एक टुटे जे छपड़े थले, इको कंबल है अपनी मां नूं ओह थले बिछा के ते उत्ते दे दित्ता। एक दिन बहुती खंसी उठी, मां दी पिठ नूं मलिया, दो घुट्टा पानी दीआं परौणियां चाहियां। कहिंदी पुत पानी ना पला, मेरे नाल तो गल्लां कर लै। दस मां, कहिंदी चार गल्लां मैं तेरे नाल सांझियां करनियां ने। दस मां, कहिंदी पहली गल तू नफरत ते नहीं करेंगा? कहिंदा मां तेरे नाल नफरत, दस ते सही गल की है? कहन लगी पुत दूजी गल ये है भी मैं ब्याह कोई अपने शौक लई नहीं सी करवाया, मजबूरी बस करवाया सी, विधवा नूं जीवन कोई नहीं सी दिंदा। दूजी गल पुत वे मैं कुख विच बच्चे कतल करवाए ने, उन्हां दा पछतावा मैनूं चैन नहीं आउण दिंदा, मैं पापण है बहुत वड्डी। तीजी गल पुत वे हर मां बाप अपने पुत नूं कुछ ना कुछ बना के दे के जांदे ने, मैं तैनूं सड़क किनारे छड के चली है, मैनूं माफ कर दी। घुट के मां नूं सीने नाल लाया, कहिंदे मां पछतावा तू ना करी, पछतावा मैं करांगा। पहली गल, जे तू विआह विकारी भावना नाल नहीं सी करवाया तां यकीन करके जानी मैं सारी जिंदगी ब्याह नहीं करवावांगा, ते विकार किसे नूं नेड़े नहीं आउण देंगा, तेरे नाल वादा रहे, किड्डा पवित्र जीवन होवेगा। दूजी गल मां तू कहनी मैं बच्चे कतल करवाए, जेड़े बच्चे मां बाप नहीं संभालते मैं उन्हें बच्चों नूं संभालिया करांगा। तीजी गल मां जे तू घर नहीं बना के चली, मैं वादा करदे जिंदगी भर मैं घर नहीं बनावांगा। ओ राम जी दास अज भगत पूर्ण सिंह है प्यार वाले, ओ जिन्हें सारी जिंदगी अपना घर नहीं बनाया, सिर्फ लोगों नूं सांभदा रहा। कई नौजवान बच्चियां उहदे पिंगल वाड़े विच आईआं, पर उहदा मन कदे विकारी ना होया। मना हुण दी तेरे अखां दे सामने दी उदाहरण है, तैनूं यकीन नहीं आउंदा जे कितें गुरु शब्दां दा सहारा लै लें, मन विचों पाप दी दुनिया विकारां दी दुनिया खत्म हो जांदी है। समां थोड़ा बचिआ, अज कोशिश करांगे शब्द विचार सकीए। पवित होए से जनम जिनी हर त्याया, तीर्थां ते पवित्र नहीं होना, जंगलां विच बैठ के पवित्र नहीं तो होना, मना ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਛੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਧਿਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
अपनी मर्जी नाल जपिया। जोगी बड़े ध्यान लाते सन, जोगी सारे बैठे सन, कड़ी कड़ी लंबी तपस्या करते सन। जोगियों के ना किसी धी भैन मैली नज़र नाल वेखण का कोई जिक्र है, ना ही किसी तरह होर कोई कर्म करन दा जिक्र है, पर गुरु नूं प्रवान नहीं हो सके। दो गल्लां चेते विच रखण वालियां ने सदा ही, एक हुंदी है भगती, एक हुंदा है गुरप्रसाद। भगती ते बाबा श्री चंद ने बथेरी कीती है, पर गुरप्रसाद नहीं वरते। भगती ते बाबा मोहन जी ने बड़ी कीती है, पर गुरप्रसाद नहीं वरते। भगती ते बाबा मेहरबान ने बड़ी कीती है, पर गुरप्रसाद नहीं वरते। राम राय किड्डा ओह होवेगा जिहनूं गुरु ने एडा वड्डा मान दे के भेजिया, पर गुरप्रसाद नहीं वरतिया। गुरु की कृपा नाल भगती करनी एक वक्री चीज़ है। गुरमुख जीनी ध्याया, पवित्र माता पिता कुटुंब सहित त्यों, पवित्र संगत सभाइया, चार चीज़ों का जिक्र आया। एक माता पिता का, दो हो गए, दूजा कुटुंब, तीजा कुटुंब का, चौथा संगत का। यह चार बंदे कदे लाहा नहीं लेंदे। माता पिता भी जिंदगी भर यही सोचते रहेंगे ने साडा ते पुत है। जदों मैं तां कालू जी नूं सोची आई, गुरु नानक साहिब नूं सीने नाल ला के कहन लगे, पुत अज जो समझाया ते पहले ही समझा देंदा, अज जो पता लग्या मैनूं भी ये तेरा पुत नहीं है नानके ते रब दा रूप है, पहले समझा देंदा। तो बेनती करां माता पिता नूं भी, बहुत लम्मा समा पता नहीं लगता, वह भी लाहा नहीं लेंदे। दूजा कुटुंब परिवार विचों, परिवार वाले भी समझते ने साडा अपना ही है। तीजा संगत सबाइया, जिहड़े नाल दे सज्जन मित्र दोस्त संगत विच रहण वाले होंदे ने, वह कहिंदे कल तो साडे नाल खेडदा सी। गुरु अमरदास जी कोल एक बक्तावर मन आया सी, वह आके कहन लगा भी पातशाह तुसीं इह की चक्कर, आपां तां कट्ठे खेडदे रहे, वह गुरु साहब के बराबर ही बैठ गया सी। सिखां बुरा मनाया, कहन लगे तुसीं फिक्र ना करो, असीं कट्ठे खेडदे रहे बचपन में। तो गुरदेव ने फिर उन्हें समझाया भी भलिया कोई गल नहीं, वह लोग जिहड़े सज्जन मित्र होंदे ने वह भी लाभ नहीं लेंदे। पर कहिंदे रब दे नाम विच एड्डी वड्डी ताकत है, वह माता पिता परिवार नूं अते सज्जन मित्रां नूं भी पवित्र कर देंदे ने, क्योंकि जदों वह अमृत बोल बोलदा है ते सुन वालियां दे अंदर भी वह बचन टिक जांदे ने। कहिंदे पवित्र सुनदे पवित्र से पवित्र जिन्नी मन वसाया, उहदे कोल बैठ के कहण वाले सुन वाले ते जिन्हां ने वह अंदर वसा लिया वह सारे पवित्र हो जांदे ने, सारी कबूल हो जाए। पवित्र का मतलब की है, फिर छोटा जिहा ध्यान दिओ, जिहदे अंदर पवित्र विचार है, उहदा पवित्र किरदार है, उहदा पवित्र विहार है, तीन चीज़ां एक दूजे नाल जुड़ियां होईयां ने। जे विचार मैले होणगे ते उहदा किरदार मैला होएगा, किरदार मैला होएगा ते उहदा विहार मैला होएगा, किन्ना क चरण को के रख लेगा। गुरु ने कृपा की सानू पवित्र विचार बख्शिश की, पवित्र होए से जना जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर त्याया। वो लोग पवित्र हो गए मना साई के डर ते कबूल हो गए, जिन्हां ने गुरु की शरण विच पै के साई के नाम नूं जपिया, रब्बी गुणां नूं सांझ पाई है। आओ प्यार वाले हो, आए तो पवित्र सां, जगत की नगरी विच औगणा दे कारण करके अपवित्र हो गए, पर हुण मालक नूं बेनती करिए, वह पवित्र कर सकदा है। अपने नाम दे लड़ जोड़ के उहदे नाम नाल जुड़ जाइए, फिर साडा जीवन ए लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभापे मेले, भुल्लां नूं खिमा करना। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहे गुरु के फतेह।